20% ऑफ आर कस्टमर्स डिड नॉट इवन रिटर्न प्रोडक्ट टू अस, और अमेजन ने उनको रिफंड दे दिया. मतलब उन्होंने प्रोडक्ट भी रखा और अमेजन ने फुल रिफंड भी दे दिया. अच्छा अच्छा, जो बिना रिटर्न करके रिफंड पकड़ा रहे थे. देन आपका प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम था? हमको कैसे पता यार क्या सीन है, हमें रिटर्न तो मिले, वो हम तभी तो रिपेयर कर पाएंगे. नहीं नहीं, अच्छा आपका रिटर्न पॉलिसी था क्या? मतलब हां 10 डेज रिटर्न पॉलिसी अमेज़न. देन हाउ कैन दे डू? बट 20% ऑफ कस्टमर्स, नॉट 20% ऑफ रिफंड, 20% ऑफ कस्टमर्स को उन्होंने फ्री में रिफंड कर दिया और रिटर्न भी नहीं आया कोई हमको. आधे आधे जो रिटर्न आए हैं उनका 20 ज्यादा बोल देगा, शायद 15 होगा, 15% का बेसिकली ऐसा 15% का रिटर्न आया है अपने को. बट टू मच, 30% रिटर्न तो वैसे टू मच है. अमेजन से एक्चुअली कोई पैसे नहीं मिले अपने को, नुकसान ही हुआ है बिकॉज अमेजन. देयर वर चैट्स इनसाइड ऑल चैट्स जिम में गया था एक टाइम पे, और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया हुआ था और हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. अमेजन बताओ एक बार क्या, दो से तीन बार ऐसा हुआ है इन केस कुछ चैट्स छूट जाते हैं जिनका ना 24 घंटा हो जाता है, और वो 24 घंटा होने के बाद हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते. जैसे उनको हम रिप्लाई नहीं कर पाते तो उनको बेसिकली हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बट वो हम यहाँ रिप्लाई तो नहीं कर पाए. तो वो जब नीचे जाता है तो उसको खोलते देखते हो कि अब सामने से उसका टेक्स्ट तो आया हुआ है बट हमारे सामने से कोई रिप्लाई नहीं. वो 24 घंटा हो जाता है ना कभी कभी, तो वो हम रिप्लाई नहीं कर सकते उसको, उसमें टेक ओवर वाला बटन. हां वो तो हो जाता है, आई नो 24 घंटे ज्यादा हो गया फिर नहीं, बट 24 घंटे तक तो पहुंचना नहीं चाहिए पहली बात तो वही है. हां सर, अगर इनकमिंग है, इनकमिंग तो खाली होना चाहिए. अगर अगर इनकमिंग में आता है तो क्विक रिप्लाई से मेरे को फॉलो अप लेना पड़ेगा उनसे. मेरी बात चल रही है वैसे तो, मैं 1 बजे रहूंगा. ओके, आज तक आवर टू आवर 30 व्हाट्सएप, आवर 32 टू नेक्स्ट आवर एनडीआर. एक बना के मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप पे के उसका रिवर्स, उसका रिवर्स होगा. मानवी का, मानवी आवर टू आवर 30 एनडीआर करेगी, आवर 32 टू नेक्स्ट आवर व्हाट्सएप. ठीक, बस डन. व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप चेकअप एक मॉर्निंग में भी डाल दो, एक इवनिंग में डाल दो, ये ठीक है. 3 to 4 में ऑर्डर बुकिंग हो गया, व्हाट्सएप चेकअप हो गया. ये ना प्रॉब्लम विद टाइम टेबल इज सो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ना, यू हैव टू बी द वन कैचिंग द मिस्टेक्स, जिससे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट तब मेरा भी दिमाग चलना बंद हो जाएगा टुवर्ड दिस. तो हम लोग बाय द वे ये सोच रहे हैं कि अभी VOIP यूज करेंगे. अभी जैसे होता है ना, सब अपने अपने कस्टमर सपोर्ट एजेंट, सब तो 4 हो गए जो कॉलिंग कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो एनडीआर कॉल्स वगैरह करने होते हैं. तो अभी लोग अपने अपने फ़ोन से करते हैं, हमको लगता है कि एक कोई वर्चुअल नंबर सा ले लो, है ना. काफ़ी सारी कंपनी, कल मैंने एक्चुअली वो ही देखा था, एक्सोटेल करके कंपनी है, उनका मेरे को अच्छा लगा. एक्सोटेल का सर देखा मैंने, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा. प्राइसिंग कुछ तो एक्सोटेल में था, उसमें सब कुछ ही था, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग भी था, सब कुछ था. एक्सोटेल को मैंने रीच आउट भी करा बट उन्होंने कॉल नहीं उठाया मेरा. एक मुझे कंपनी से कल कोट भी आया था, दिस वाज कॉल्ड serv.com, serv.com. तो इन लोगों का है कोट, इट इज, मैंने बोला 2 पीपल विल बी यूजिंग इट एट द सेम टाइम, सब कुछ अनलिमिटेड है, पर एजेंट मंथली चार्जेस इज 2000, तो 4000 का खर्चा है पर मंथ का बेसिकली, अगर 2 एजेंट्स कॉन्करेंटली कर रहे हैं. GST अलग है, GST अलग है. और दूसरा जो आप कह रहे हो दैट वाज, उसका कितना था? उसका 2500 था ना? इसका 2500 कुछ है. और बट व्हाट, मतलब हाउ इज यार, वही तो सीन है. कोई भी दीज वी हैव टू ट्राई दीज सॉफ्टवेयर्स फर्स्ट कि इनका एक्चुअली है क्या. तो गाइज, कस्टमर सपोर्ट को लेकर बात करने का बोला है मुझे, तो फिर मैं बताता हूँ क्या सीन है. मेरे टॉकिंग पॉइंट्स कहाँ गए? अच्छा, तो इस महीने क्या हुआ, लास्ट एक्चुअली 2 से 3 हफ्ते में ना मैं नोटिस करा था, हमारे कस्टमर सपोर्ट वाइज अगर देखें चैनल्स क्या क्या होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जो चैट्स होते हैं, कॉलिंग करनी होती है और कोई व्हाट्सएप पे तो रीच आउट करो उसको खरीदना या उसको क्वेश्चन वगैरह है, या फिर कोई एनडीआर कॉल्स करनी होती हैं, ठीक है, वो भी कस्टमर सपोर्ट में आता है. फिर अगर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करे या फिर कमेंट करे, अब ऑब्वियसली सब कमेंट का रिप्लाई नहीं आता, बट सिलेक्टेड कमेंट्स का भी रिप्लाई करना है, स्पेशली जो क्वेश्चन बेस्ड कमेंट्स होते हैं. फिर मैसेजेस का तो हर मैसेज का ही रिप्लाई जाना चाहिए, अनलेस कोई, वो कई लोग होते हैं जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेज भेजते हैं, उनको लोग के कुछ नहीं करना. बट फिर भी अगर कंबाइंड देखा जाए ना, तो मैं देख रहा था हमारे 3 लोग थे जो हैंडल कर रहे थे, एंड आउट ऑफ द 3 देर वॉज 1 गाय जो अब नहीं है, उसकी जगह एक सोशल मीडिया मैनेजर है, तो तब भी 3 ही थे एक टाइम पे. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज नॉट डन, ठीक है, अपने को एक सिस्टम बनाना पड़ा. क्योंकि क्या हो रहा था, मैं जैसे जाता था अपना जो जहाँ व्हाट्सएप चैट्स वगैरह अपन देख पाते हैं सारे, तो देर वर जो इनकमिंग वाला टैब होता था उसमें कभी कभी 70-80 पड़े हुए हैं चैट्स, और वो कई कई 2-2, 3-3 दिन, कई 4-5 दिन पुराने चैट्स हैं, जो फिर मैं जब खोलता था और लगता था कि यार कस्टमर ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, हमने उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. हो सकता है उससे 1-2 मिनट बात करते वो कस्टमर बन जाता, या फिर वो एक्चुअली कई ऐसे केस थे जो एक्चुअल कस्टमर्स, उनको कुछ हेल्प चाहिए था विद द प्रोडक्ट,
चाहे रिटर्न रिफंड ही हो चाहे कुछ भी हो, बट बेसिकली इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम ब्रांड बना रहे हैं तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच आउट टू देम, है ना. ऐसे करके थोड़ा ना कि हम बैठे हुए हैं कस्टमर मैसेज कर रहे हैं, हम उनको तीन दिन बाद चार दिन बाद रिस्पॉन्ड करें, कई लोगों तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. तो मैं काफ़ी दुख, मतलब मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है. तो मेरे को लगा कि यार चलो लेट्स हायर टू मोर पीपल, ठीक है. तो हमने भाई, और पहले हम क्या कर रहे थे, ट्राई करना कि इन हाउस हायर करें, ठीक है ना. अगर रिटर्न्स वगैरह भी आते हैं उनको ओपन अप करना, वो सब चीज़. तो मैं को लगा कि यार इन हाउस करना बेटर है उस टाइम पे. एटलीस्ट मुझे लगता है एक रिसोर्स अगर होता तो फिर हमने काफ़ी पोस्ट वगैरह किए, जॉब पोस्ट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, पोर्टल्स पे, और हमने कई लोगों से बात बात किया, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से वो फाइनलाइज हो ही नहीं पाया. हमने बहुत कोशिश किया, दो तीन हफ्ते से कोशिश किया अपन ने. फिर उसका मेरे को लगा कि यार ये छोड़ो, लेट्स पुट अप रिमोट वाला एप्लीकेशन, कि इंस्टेड ऑफ इन हाउस आप रिमोट काम कर सकते हो. और मैं यार जो एप्लीकेशंस का भंडार आया जब बोला कि रिमोट काम कर सकते हो, भाई रिमोट का ट्रेंड है. अगर आप एक्चुअली कई चीज़ें जो आप रिमोटली करवाना चाहते हो ना, आपको बहुत सही कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस आपको बहुत सही ओपन अप हो जाएंगे. तो फिर अपने वो पोस्ट डालने के आई थिंक दो तीन दिन में मिल गया था ना, सेम डे अपने को एक दोनों ही मिल गए थे सेम डे. नहीं बट जो फाइनल किए थे हमने, जो दो लोग किए थे, सेम डे बात कर ली थी, नेक्स्ट डे की थी. तो मतलब मान लो 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर फाइनलाइज भी हो गए जो हमने दो तीन हफ्ते से स्ट्रगल कर रहे थे. तो ये अगर आपको सजेशन दूंगा, रिमोट हायरिंग आप ट्राई कर सकते हो जितना कर सकते हो. अब ऑब्वियसली कई चीज़ें जो आप रिमोटली नहीं कर सकते हो, ठीक है. अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरा वीडियो ले ऐसे बैठ के, ठीक है, तो वो तो रिमोटली नहीं कर सकता, वो तो किसी को कैमरा पकड़ना पड़ेगा. तो इसलिए कई कई लोगों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है. अब जैसे पैकर जिन्हें पैक करके भेजना है सामान, अब उनको तो फिजिकली करना पड़ेगा ना, वो अपने घर पर तो पैक करके हमें देंगे नहीं सामान. तो उनके अलावा जो बाकी जितने भी रिसोर्स आप कर सकते हो मैनेज रिमोटली, उन लोगों को रिमोटली हायर करो, इजी है. इंस्टेड ऑफ अस एडिंग देयर इंफॉर्मेशन, वो दे हैव टू सबमिट देयर, वो अपने इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे और वो पे आउट हमने ऑटो अप्रूव कर दिया होगा, तो फिर वो पे आउट हो जाए, कुछ ऐसे करके सिस्टम. बट अब इसको लेके हमने, अब ये दिस इज नॉट हाउ इंडिया वर्क्स, तो इसमें किसी को समझाना मुझे ना, मैं अपना बैंक इंफॉर्मेशन क्यों तुझे दूं, तो पता नहीं इसमें क्या करना है. पेरोल होता है, पेरोल तो अपन उसके थ्रू मैनेज करें, टैक्स पेमेंट्स करेंगे, वेंडर पेमेंट्स करेंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड भी है क्या हमारा कोई, आई डोंट थिंक सो, वी हैव बीन ऐड टू वेट लिस्ट, ठीक है वो देखते हैं बाद में. हाँ वेंडर पेमेंट्स होगा मेन, अपना वेंडर पेमेंट्स होगा एंड रिफंड प्रोसेसिंग होगा जब रिफंड्स वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा. तो रेजर पे एक्स अकाउंट अब बन चुका है, ठीक है ना. तो अब तो फाइनली काफ़ी दिन लग गए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लग गया, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, आई हैव गिवन एक्सेस टू ऑल माई टीम मेंबर्स. उनके ना बड़े कूल कूल फीचर्स हैं. अब जैसे ना आप लोगों को पता होगा, लाइक इनवॉइसेस पे करने होते हैं बहुत सारे, लाइक मैं दिन में 15-20 इनवॉइसेस पे करता हूँ कभी कभी, तो 20-25 हो जाते हैं, ज्यादा बोल दिया बट कोई बात नहीं, हम एग्जैजरेट करने वाले मुझसे. तो हमने क्या किया, लाइक इनवॉइस जो आया था ना उसको मैंने अपलोड कर दिया इन साइड रेजर पे एक्स, और वो क्या करता है वो ना पीडीएफ इनवॉइस को रीड कर लेता है कि कौन है तुम्हारा वेंडर कौन है एंड तुम्हारा पे आउट अमाउंट कितना है, जीएसटी क्या है, वो सारा उसने रीड कर लिया. और वो फिर वो पे आउट का एक सिस्टम है जिसमें आप उसका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी वो रीड कर लेता है, फिर तुम उसको जब दबाओगे तो फिर बस पे आउट हो जाता है वो, ठीक है, अगर फंड है अकाउंट के अंदर. तो काफ़ी लाइक स्मूथ सा सिस्टम लगा, वैसे होता है ना कि कोई वेंडर होगा वो तुम्हें अपना बैंक डिटेल्स भेजेगा, तुम अपने बैंक में डालोगे, फिर 30 मिनट कूल डाउन और वो सब चीज़ सब खत्म हो गया इसमें, ठीक है. एंड यूपीआई वगैरह भी इसके थ्रू ही हो जाता है, और इनफैक्ट हम इसको यूज़ करने वाले फॉर गिविंग रिफंड्स. इनका ना एपीआई होता है बहुत स्ट्रॉन्ग. तो क्या होता है, अगर जैसे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर सपोर्ट वाले को बोलेंगे आप रिफंड्स की जो लिस्ट है वो एवरीडे ऐड कर देना हमारे एक बैकएंड, हमारा सिस्टम एक है बैक ऑफिस जैसा हमने बनाया, उसमें जो कस्टमर सपोर्ट वाले रिफंड्स की लिस्ट ऐड कर देंगे, और जो हमारे जब अप्रूवल जो जिसने करना है रिफंड्स का उसमें उस पे नाउ दबाना है, जब पे नाउ दबाएंगे तो फिर वो रेजर पे एपीआई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसका फंड अकाउंट बन जाएगा उस कस्टमर का, और पे आउट हो जाएगा पूरा एंड देन खत्म. मतलब एक क्लिक से सारा का सारा पे आउट हो जाएगा. अभी क्या करना पड़ता था, कोई रिफंड आता था मैं कॉपी करता था, फोन नंबर उसमें डालो, जीपे में डालो, फिर उसको वो फोन नंबर कॉपी करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता था, कॉपी करूंगा अमाउंट कितना है, उसका ऑर्डर नंबर कौन सा है जो रिफंड हो रहा है, और फिर पे नाउ दबाऊंगा, फिर कस्टमर सपोर्ट वाले को बताऊंगा कि देखो ये पे हो चुका है, तो ऐसे कर करके ना वो स्क्रीनशॉट भेजो. तो ये सारा का सारा चीज़ अब एक क्लिक में हो जाएगा. तो बहुत ही कूल सिस्टम लगा. बट ऑब्वियसली इसमें इसके लिए लाइक मल्टीपल तरीके करने के, आप बैच एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक एक पूरा एक्सेल फाइल बना सकते हो, इसमें सारे के सारे पे आउट जो करने वाले हैं वो एक साथ हैं, वो अपलोड कर दो रेजर पे एक्स में और फिर वो सारा पे आउट हो जाएगा. तो इंटरेस्टिंग है. तो अभी देखते हैं इसको कैसे अपन यूज़ करते हैं और चीज़ें करने के लिए. बट बेसिकली मेरे ऊपर से फ्यू डेज के अंदर आई एम होपिंग जब सिस्टम सेट हो जाएगा ये पेमेंट्स करने वाला हैसल खत्म. आप सोचो मेरे हाथ में एक डब्बा है,
ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ हमने सिस्टम क्या बनाया डब्बों को लेके। देखो ये डब्बा हो गया, अब मान लो डब्बा मतलब ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट जो डालना है, ठीक है, वो ऐसे करके प्रोडक्ट अंदर ऐसे करके डालना है अपने डब्बे के अंदर, ठीक है। अब मान लो इसका छोटा वर्जन ऐसे करके है, तो क्या होता था अभी जब हम लेबल लगाते थे ना, तो डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं था, हमारा लोगो प्रिंटेड था अंदर डब्बा, ठीक है, एक क्योंकि लोगो तो एक ही डायरेक्शन में, एक साइड ऊपर होता है एक साइड नीचे होता है लोगो का। अभी जिस साइड पे वो लेबल चिपका रहे थे ना, जैसे मान लो ऊपर की तरफ लेबल चिपकाना है, कभी कभी इस साइड लेबल चिपकाते थे, कभी कभी इस साइड। फिर उसके बाद क्या होता है, हम ब्राउन बॉक्स जो अपना होता है ना उसके ऊपर एक छोटे स्टिकर्स भी लगाते हैं, विच आर लाइक ये डिटरमिन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्राउन बॉक्स के बाहर भी छोटे छोटे स्टिकर होते हैं, तो वो भी ना कभी इस साइड लगा दिए, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी उल्टा, कभी सीधा। आप लोगों ना कभी जाके अगर हम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये बिजनेस नहीं दिखा सकते एग्जैक्टली, तो फिर बट हम ट्राई करेंगे आपको दिखाने के लिए पूरा मैप कैसा है हमारा, कैसे हमने सेटअप किया है, पूरे एक लीनियर फ्लो में सारा पैकेजिंग चलता है, मतलब एकदम बहुत सही सिस्टम बना दिया, और सब रैक्स बिन्स वगैरह आ गए हैं, पूरा सेटअप बहुत सही है। तो एनीवेज, जब फिनिश्ड ब्राउन बॉक्स विद अ लेबल जब ऑन डिस्पैच रैक हमने रखना होता है, तो वो करने के लिए ना कोई डब्बा ऐसे, कोई डब्बा ऐसे, को मतलब कुछ भी चल रहा था, ठीक है। फिर हम बोले देखो लाइफ में ना जितना आप स्टैंडर्डाइज करोगे चीज़ों को उतना सबके लिए ईजी है, क्योंकि हमारे एरर्स बहुत हो रहे थे जब पैकेजिंग, मतलब जब प्रोडक्ट किसी को जाता था तो कई बार कोई और प्रोडक्ट पहुंच रहा था, ठीक है, कई बार क्वांटिटी इश्यूज था, क्वालिटीज का लेके बहुत ज़्यादा इशू था। तो मैंने क्या बोला, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब जो रैक्स है ना पूरा स्ट्रेट लाइन में सारा कुछ ऐसे करके है, बट भाई उनको ना सिखाना पड़ेगा करके चीज़ बोलनी पड़ी। इवन लाइक जब पैकेजिंग भी कर रहे थे, कभी प्रोडक्ट को कैसे किस पोजिशन में वो डाल रहे हैं वो भी बहुत दिक्कत थी। तो हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना, दीज माइट सीम लाइक छोटी छोटी चीज़ें, बट आप नोटिस करोगे कि लाइक जब आप एक्चुअली पैकिंग टीम बिठाओगे ना, कोई कुछ ना कुछ करने, कोई रैंडम चीज़ें करने लग जाएंगे। यू हैव टू बी द वन टू क्रिएट ऑर्डर इन द केओस, है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज करो, एक डिसाइड करो ये ऐसे 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 एग्जैक्ट छोटी छोटी, गो डीप डाउन इन टू द डिटेल जितना आप कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये मुझे चाहिए, ये आपको बना के दो, ठीक है। राइट फ्रॉम द ओरिएंटेशन टू कैसे डाला जाता है, टू कैसे बंद किया जाता है, कितने टेप के राउंड्स लगेंगे, सब कुछ आप डिफाइन कर दो, सिखाओ, आइट्रेशन सिखाओ अपने उन लोगों को, और फिर वो जाके करने लग जाएंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पेशली रिपीटेड वाली चीज़ें होती हैं उनमें स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी अगर मैं व्हाट्सएप खोलूँ तो ये पूरा खाली रहेगा ना, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, अगर मैं इसको लॉग इन करूँ पूरा खाली रहेगा। जो अपन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ना उसको लेके अभी अपन टीम को ट्रेन कर रहे हैं, फाइनली काफी हद तक रेडी हो गया अपने, क्या क्या है, काफी सारे फंक्शनैलिटी हो गया है, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया है, ऑर्डर फेच हो जाते हैं शॉपिफाई से, अपने डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के, ऑटो वॉइड हो जाते हैं ऑर्डर जब कोई लाइक 16-17 दिन पुराने ऑर्डर्स हो जाते हैं जिनका अभी भी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है। तो ये तो ऑटोमेशन वाली चीज़ें कई सारी हैं, उसके अलावा NDR प्रोसेसिंग भी अब अपना सिस्टम में हो गया है कि हम लोग API से NDRs उठा लेते हैं और अपने टैगिंग वगैरह करना हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अलॉन्ग विद कॉल प्लेसमेंट एंड कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड करना, वो सारा कुछ एक ही जगह पे हो जाएगा। एंड एक दो और फीचर्स है बट मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक है टू आवर प्रोडक्ट एंड आवर रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं बताने लग गया, एक्सप्लेन करने लगे तो आप लोगों को वैसे ही पता लग जाए प्रोडक्ट क्या है, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है लाइक जो बाकी कंप्यूटर कोई कर ही नहीं रहे, उससे अपन एक्चुअली स्टैंड आउट भी करते हैं। तो यूजिंग सॉफ्टवेयर मेक्स यू, मैं क्या बताऊँ, एक तो ना ऑटोमेशन वाइज तो ठीक है टाइम बचाने वाला, बट इट ऑल्सो गिव्स यू दी अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो अब ऑब्वियसली हर बंदा कोडर नहीं है, बट मैं वो बता सकता हूँ कि यू कैन ईजिली फाइंड कोडर्स ऑन लाइक फाइवर पे मिल जाते हैं, अपवर्क पे मिल जाते हैं, आप किसी एक बंदे को या लोकली मिल जाते हैं किसी को हायर करके, यू कैन आस्क देम टू, बिकॉज दे आर सिंपल थिंग्स, जस्ट API के साथ यूज़ करके सिस्टम्स बनाने हैं।